हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए परीक्षा में पूछा गया है कि किसी कक्षा में 60 छात्र हैं और राम की जो स्थिति है वह ऊपर से 40 है, तो नीचे से क्या होगी। ऐसे ही अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो राम है उसकी कक्षा में स्थिति ऊपर से 40 है और नीचे से 50 है, तो बताइए कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा में 45 छात्र है जिसमें से मोहन ऊपर से 30वें स्थान पर है। देख लेते हैं कि एक कक्षा है जिसमें कुल छात्रों की संख्या 45 है और मोहन का स्थान ऊपर से 30वें स्थान पर है। यहाँ पर स्थित है मोहन, तो उसका स्थान ऊपर से 30वें स्थान पर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि मोहन का स्थान नीचे से किस स्थान पर होगा। तो अगर हम कुल छात्रों की संख्या में मोहन का ऊपर से स्थिति को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा नीचे में कितने छात्र स्थित हैं। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा, अर्थात जो मोहन है जो कि 30वें स्थान पर है उसे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कि मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 16, अर्थात मोहन का नीचे से स्थान 16 होगा। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी के साथ साथ राज्य सेवा परीक्षा और व्यापम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में कुल 60 छात्र हैं और जो रोहन है उसका स्थान नीचे से 25वें स्थान पर है, तो ऊपर से किस स्थान पर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कुल छात्रों की संख्या 60 और नीचे से दिया गया है रोहन की संख्या जो है नीचे से 25वें स्थान पर है, तो उसका ऊपर से क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुल छात्रों की संख्या लिखेंगे और उसमें जो नीचे के छात्रों की संख्या को घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। इससे हमें प्राप्त होगा रोहन का स्थान ऊपर से क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 35 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 36। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें जो है कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है। एक कक्षा है जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 15वें स्थान पर है जबकि नीचे से 13वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है रमेश जिसका स्थान ऊपर से 15वें स्थान पर है जबकि नीचे से इसका स्थान है 13वें स्थान पर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल छात्रों की संख्या। तो अगर हम इसे 15 + 13 कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या। लेकिन ऐसा ज्ञात करने से जो रमेश है वह दो बार आता है। पहले अगर ऊपर से हम गिनती करते हैं तो 15वें स्थान पर रमेश आएगा, जबकि नीचे से गिनती करेंगे तो फिर से रमेश जो है 13वें स्थान पर आएगा। तो रमेश की स्थिति दो बार गिनती हो रही है, इसलिए हम उसमें से 1 घटा देंगे, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 28 में जब 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 27, अर्थात कुल छात्रों की संख्या 27 है। अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है कि अगर कोई नाम दिया गया है उसके ऊपर से स्थिति और नीचे से स्थिति दी गई है, तो हम उसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, 15 + 13 और -1 कर देंगे। -1 इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की गिनती में रमेश जो है दो बार आ रहा है, तो रमेश जो है एक व्यक्ति है इसलिए उसकी स्थिति 1 लेना है। तो अगर हम उसमें 1 घटा देंगे तो रमेश की गिनती केवल 1 बार होगी। तो इसे सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा 27, अर्थात जो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 27 है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जो लता है उसका स्थान नीचे से 5वें स्थान पर है जबकि ऊपर से 10वें स्थान पर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लता है उसका स्थान नीचे से 5वें स्थान पर है जबकि ऊपर से 10वें स्थान पर है। प्रश्न में यह दिया गया है और अगला दिया गया है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा, यह उसी प्रकार का प्रश्न है कि हमें ज्ञात करना है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसे हम इजली सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे 10 + 5, इससे हमें प्राप्त हो जाएगी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। लेकिन जो लता है वह दो बार आ रहा है तो उसमें हम 1 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल छात्रों की संख्या। तो ये हो जाएगा 15 - 1 = 14। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 14 है। अभी हमने दो प्रकार के प्रश्नों को देखा, अब हम और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा है जिसमें जो हेमंत का स्थान है वह ऊपर से 20वां है और नीचे से 5वां है। हम देख लेते हैं यहाँ पर एक कक्षा है जिसमें जो हेमंत है वह ऊपर से जो है 20वें स्थान पर है जबकि नीचे से जो है 5वें स्थान पर है। और इसमें आगे दिया गया है कि पास होने वाले छात्रों में हेमंत का स्थान ऊपर से 15वें स्थान पर है जबकि नीचे से 3रे स्थान पर है।
यहाँ पर दो प्रकार का प्रश्न दिया गया है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था उसका ये एक्सटेंडेड रूप है। यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, पहला दिया गया है कि हमें निकालना है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, दूसरा दिया गया है कि उत्तीर्ण की संख्या, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर हम उसे ज्ञात कर लेंगे तो हमें, अगर कुल छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कक्षा में कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कक्षा में कुल छात्रों की संख्या देख लेते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हेमंत का स्थान ऊपर से 20वें स्थान पर है तो 20 लिख लेंगे, दूसरा दिया है नीचे से 5वें स्थान पर है, हम 5 लिख देंगे और कर देंगे -1, क्योंकि जो हेमंत है वह दो बार गिनती होगा, ऊपर से भी गिनती हो रहा है और नीचे से भी गिनती हो रहा है, इसलिए हेमंत जो है एक व्यक्ति है वह दो बार गिनती हो रहा है, इसे ठीक करने के लिए हम -1 कर देंगे। तो इससे हमें प्राप्त होगा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो कि 25-1 होगा 24। तो हमें प्राप्त हो गया कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 24 है। अब इसमें दिया गया है जबकि पास होने वाले छात्रों में हेमंत का स्थान ऊपर से 15 है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो हेमंत का स्थान जो है पास होने वाले में ऊपर से 15 है जबकि नीचे से दिया गया है 3रा स्थान पर। तो इससे हमें ज्ञात कर लेंगे कि कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए तो इसे हम लिखेंगे 15+3 और -1 कर देंगे, क्योंकि जो हेमंत है वह दो बार आएगा इस कारण उसे एक करने के लिए हम -1 कर देंगे। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि कक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 15+3 18 होगा और एक घटा देंगे तो 17। तो हमें प्राप्त होगा कि कक्षा में कुल 24 छात्र हैं जिसमें से 17 उत्तीर्ण हुए। 17 उत्तीर्ण हुए तो बचे कितने, इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 7, अर्थात 7 ऐसे छात्र हैं जो कि अनुत्तीर्ण हुए। इस प्रश्न में दो प्रकार का प्रश्न दिया गया है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा उसका एक्सटेंडेड रूप है। यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है कि हेमंत का स्थान ऊपर से 20वां है नीचे से 5वां है, और दूसरा दिया है पास होने वाले छात्रों में हेमंत का स्थान 15वां और नीचे से 3रे स्थान पर है। तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे कि कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या में अगर उत्तीर्ण छात्रों को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो इस विधि के द्वारा हम आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन दिया जाता है वह बहुत ही क्लोज होता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में 7 आंसर आया है तो जो ऑप्शन दिया रहेगा वह 5, 6, 7, 8 दिया रहेगा। तो अगर हम इसे -1 या फिर +1 नहीं करेंगे जैसा कंडीशन दिया है उसके हिसाब से, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसे हमें याद रखना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पंक्ति में दीपक का स्थान बाईं ओर से 10वां है। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है जिसमें जो दीपक है उसका स्थान जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और श्याम जो है दाईं ओर से 3रे स्थान पर है। एक और व्यक्ति दिया है श्याम जो कि दाईं ओर से 3रे स्थान पर है। यहाँ पर बाईं ओर से 10वें स्थान पर दीपक स्थित है जबकि दाईं ओर से श्याम जो है वह 3रे स्थान पर है। अब अगला दिया है अगर दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो दीपक जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। अगर हम दीपक के जगह श्याम को ले आएंगे और श्याम के जगह दीपक को ले आएंगे, यहाँ पर आ गया श्याम और यहाँ पर आ गया दीपक, इन दोनों के स्थान को हम बदल देंगे तो जो दीपक है, दीपक का जो नया स्थिति आया है उसमें वह बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो जो दीपक है वह जो है बाईं ओर से यहाँ पर हो जाएगा 15वें स्थान पर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो जो दीपक की स्थिति दी गई है, यहाँ पर दीपक स्थित है, इस स्थिति में दाएं और बाएं दोनों की स्थिति दी गई है, अर्थात जो श्याम है वह दाईं ओर से 3रे स्थान पर है और बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो अगर किसी व्यक्ति की स्थिति हमें पता है कि वह दाईं और बाईं ओर से कितने स्थान पर है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो दीपक है वह बाईं ओर से 15वें स्थान पर है जबकि श्याम जो है वह दाईं ओर से 3रे स्थान पर है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और कर देंगे -1। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15 में 3 जोड़ेंगे 18 और 1 घटाएंगे तो 17। तो हमें प्राप्त हो गया कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 17 है। इसे हम एक बार और देख लेते हैं कि दीपक का स्थान बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यहाँ पर स्थित है दीपक, उसका स्थान बाईं ओर से 10वें स्थान पर है जबकि दूसरा दिया है श्याम का दाईं ओर से 3रे स्थान पर है। यहाँ पर स्थित है श्याम, वह जो है दाईं ओर से 3रे स्थान पर है। अब अगला बोला गया है अगर दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, मतलब ये श्याम है वहाँ पर दीपक आ गया और दीपक के जगह श्याम आ गया,
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं श्याम, दीपक के जगह श्याम आ गया और श्याम के जगह दीपक आ गया। तो अगला क्या दिया है, दीपक जो है बाईं ओर से 15 हो जाता है, मतलब जो नई स्थिति आई है दीपक की उसमें वह बाईं ओर से 15 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पहले श्याम स्थित था, अब दीपक आ गया। तो हमें प्रश्न में इस बिंदु की स्थिति दी गई है, यहाँ पर पहले श्याम था जो कि दाईं ओर से 3रा था और दीपक जो है बाईं ओर से 15 है, अर्थात इस बिंदु पर दोनों स्थिति दी गई है कि दाएं और बाएं से क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, बाईं ओर से यह 15 है और दाईं ओर से 3 है। अगर हम इसे 1 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो इससे हमें प्राप्त होगा 17, जो कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दोनों के बीच में कितने छात्र स्थित हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के मध्य में कितने छात्र स्थित हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने अभी ज्ञात किया कि कक्षा में कुल 17 छात्र हैं। अगर हम 17 छात्र में से अगर हम इसमें से बाएं और दाएं की स्थिति को घटा देंगे तो बीच में जो एरिया बचेगा उससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि उस कक्षा में कितने छात्र बीच में स्थित हैं। तो हमें प्राप्त है कुल छात्रों की संख्या 17 है अगर इसमें से बाएं को और दूसरा दिया है दाएं को, अगर हम इसे घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने छात्र स्थित हैं। तो इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 4, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 13 प्राप्त होगा, 17 से घटाने पर 4 प्राप्त होगा, अर्थात इन दोनों के मध्य में 4 छात्र स्थित हैं। ऑर्डरिंग टेस्ट के अंतर्गत हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और इसी के आधार पर परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं। अगर आप रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।